हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अपकमिंग स्टेप्स। अब दोस्तों यहाँ पर टाइमलाइन को फॉलो करें तो यहाँ पर 7 जून से लेके 10 जून का टाइम यहाँ पर ऑलरेडी खत्म हो गया है। मतलब वो था यहाँ पर आपका चॉइस फिलिंग का टाइम फॉर द मॉक राउंड। अब दोस्तों यहाँ पर आपने एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है वो पार कर लिया है और वो है यहाँ पर मॉक राउंड का पड़ाव। यहाँ पर बेसिकली मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद आगे का स्टेप क्या है वो हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंतजार करना होगा 30th of June को, कि जिस दिन यहाँ पर आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, फाइनल मेरिट रैंक, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो मॉक राउंड का रिजल्ट है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले इवेंट है यहाँ पर 13 June को। बट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि ये सारे इवेंट्स के ऊपर आपको इंतजार ना करते हुए मेरा यहाँ पर एक ही सजेशन रहेगा, एंड दैट इज की स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर राउंड नंबर 1। यानी कि यहाँ पर राउंड नंबर 1 का अभी से यहाँ पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। राउंड नंबर 1 के लिए यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, जिस तरह से आपने मॉक राउंड में लिस्ट बनाई थी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जैसे ही यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाता है, फाइनल मेरिट रैंक आपके हाथ में आ जाता है, मॉक राउंड का रिजल्ट हो जाता है, उसके इमीडिएट नेक्स्ट दिन से यानी कि 13 से लेके 17 तक यहाँ पर आपका राउंड नंबर 1 का चॉइस फिलिंग चलने वाला है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आप कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 13 से लेके 17 के बीच में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रिसर्च करने के लिए, लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए, और या फिर कॉलेज कैंपस विजिट करने के लिए। सो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि वॉट यू कैन डू, यहाँ पर आप जो है सबसे पहले यहाँ पर राउंड नंबर 1 को यहाँ पर ध्यान में रख के सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि मॉक राउंड के बेसिस के ऊपर आपको कौन सी कॉलेज में जाना है राउंड नंबर 1 में, मॉक राउंड में जो भी कॉलेज एड की है वही सारी यहाँ पर रेप्लीकेट करनी है, या फिर कोई कॉलेज को ऐड करना है, डिलीट करना है, सीक्वेंस चेंज करना है, ये जो भी चेंजेस आपको करने हैं ना वो अभी से करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि यहाँ पर 4 दिन में, राउंड नंबर 1 के 4 दिन के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो दैट्स वाई वॉट आई वॉन्ट टू से हियर इज कि यहाँ पर अभी से मॉक राउंड के बाद राउंड नंबर 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर दो आपकी रफ लिस्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ACPC के पोर्टल के ऊपर तो आप अभी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारी यहाँ पर लॉक चॉइसेस है वो अभी लॉक कंडीशन में है। तो यहाँ पर राउंड नंबर 1 की एक रफ लिस्ट के अंदर कॉलेज का लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पर अगर पॉसिबल है तो फिर से एक बार कैंपस विजिट करके आओ, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा आपको यहाँ पर कॉलेज के बारे में आइडिया आ सके। अगर आप यहाँ पर अहमदाबाद से बिलोंग करते हो और अहमदाबाद की ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के चांसेस है, तो फिर मैं कहता हूँ कि आपने भले ही एक बार कैंपस विजिट कर लिया है, आप फिर से यहाँ पर कैंपस विजिट करो और आप यहाँ पर फिर से एक बार सारा कन्फर्मेशन ले लो स्टूडेंट्स की ओर से जो अभी एग्जिस्टिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। इससे होगा क्या कि दोस्तों यहाँ पर आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा राउंड नंबर 1 की लिस्ट बनाने में, राउंड नंबर 1 की चॉइस फिलिंग के अंदर कॉलेज ऐड करने में। बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा अगर आपने कैंपस में जाके ग्राउंड रियलिटी चेक किया है तो। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आप वेबसाइट के ऊपर जाके भरोसा मत करो, यही मेरी रिक्वेस्ट रहने वाली है और यही मेरा फोकस रहने वाला है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।